वेलकम बैक। कोटा में फसायेला विद्यार्थियों परत थशे। संयुक्त संघ प्रदेश ना विद्यार्थियों परत आवशे। राजस्थान ना कोटा में फसाया हता 42 विद्यार्थियों तेओ बस थी परत फरी रह्या छे। दमण सेलवास में तेमना परिवारजनों में खुशी व्यापी गई छे। तपास बाद विद्यार्थियों ने क्वारंटीन करवामां आवशे। कोटा थी विद्यार्थियों ज्यारे परत फरशे त्यारे तेमनी मेडिकल तपास करवामां आवशे। त्यारबाद तेमने क्वारंटीन करवामां आवशे। कोरोना ना डर वच्चे कोटा अने लखनऊ थी गुजराती ने परत लावामां आव्या। कोटा में गुजरात मध्य प्रदेश ना विद्यार्थियों हता तो लखनऊ में सेना ना निवृत्त। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद और मैं यहाँ कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए आई थी। एलन की स्टूडेंट हूँ और हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे अटके हुए थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सबसे मेन तो खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, मैसेज बंद हो चुके थे, प्लस पढ़ाई भी नहीं हो रही थी बिकॉज प्रेशर इतना था। कभी खाना नहीं मिल रहा था, मिलता है तो बहुत ख़राब मिल रहा था। और मतलब कितनी बार तो हमें ब्रेकफास्ट तक नहीं मिलता था, डिनर नहीं मिलता था। कोटा में बहुत ज़्यादा परेशानियों के कारण मैं घर जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या परेशानी आपको आई थी? हॉस्टल में खाना प्रॉपर नहीं आ रहा था, प्रॉपरली सैनिटाइजर वगैरह नहीं हो पा रहा था। तो उत्तर प्रदेश ना लखनऊ में गुजरात ना आर्मी जवान फसाया था। 30 मार्चे 30 जवानों निवृत्त था। निवृत्ति की प्रक्रिया में लखनऊ गया था, परंतु ते समय ज लॉकडाउन थता तेओ लखनऊ में फसाया था। तमाम ने परत मोकलवानी व्यवस्था करवामां आवी। जवानों राज्यपाल अने सौरभ पटेल नो आभार मान्यो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 गुजराती। तो पाटण ना केटलाक युवको थाईलैंड में फसाया। पताया थी तेमणे वीडियो वायरल कर्यो छे। रोजगार माटे आ युवानो थाईलैंड गया हता। सरकार पासे तेमणे मददनी मांग करी छे। कॉन्ट्राक्ट रिन्यू न थता होवानी फरियाद करी छे। तो आ तरफ वापीना पण केटलाक युवको गोवामां फसाया हता। तेमणे पण वीडियो वायरल करीने मददनी मांग करी। फरवा माटे तेओ गोवा माटे गया हता, त्यारे लॉकडाउन में होटलना संचालके होटल खाली करवानी तेमणे मुदत आपी। अत्यार सुधीमां युवकोने 1 लाख खर्च थई गयो छे। तेमनी पासे हवे पैसा पण नथी बच्या, जेथी तेमनी हालत कफोड़ी बनी गई छे। अरवली जिल्लामां कोरोनाना केस गामडाओमां सतत वधी रह्या छे, त्यारे मोडासाना टीटोईमां युवानोए वेस्टमांथी बेस्ट सेनेटाइज टनल बनावी छे। घरमां पड़ेला सामाननो उपयोग करीने सेनेटाइज दवा नाखीने मात्र 2500 रूपियाना खर्चे आ टनल बनावामां आवी छे। ટીટોઈમાં 10 ગામના લોકો આવશ્યક વસ્તુ માટે આવતા હોય છે, તેવા સંજોગોમાં બેંક આગળ લોકોની લાઈનો લાગતી હોય છે, ત્યારે આવા સંજોગોમાં યુવાનો દ્વારા લોકડાઉનના વિરામના સમયમાં સેનેટાઇઝ ટનલ બનાવી બજારમાં મૂકવા માટે તૈયાર કરી છે। ટીટોઈ ગામના નાગરિકોને આની મદદ થાય, સેનેટાઇઝ થઈને અહીંયા રસ્તા પરથી જઈ શકે એના માટે એક સેનેટાઇઝ ટનલ બનાવી છે। ઓછા ખર્ચમાં સારી વસ્તુ મળી શકે એ પ્રમાણે અમે કામ કર્યું છે। માર્કેટની અંદર અત્યારે આ ટનલ તમે લેવા જાઓ તો 25,000 થી 30,000 થી ચાલુ થાય છે। અમે 4,000 જેટલા સામાન્ય ખર્ચની અંદર આ ટનલ અમે બનાવવાની વ્યવસ્થા